उदाहरण 15, वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन अनंत तक को हल कीजिए। हल, माना कि x बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन अनंत तक या x बराबर वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 अनंत तक के को हम x माने ही है, तो इसको इसके स्थान पर हम वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन अनंत तक के स्थान पर हम x ले लेते हैं। अब दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 बराबर कोष्टक में वर्गमूल 6 धन x की घात 2 या x की घात 2 बराबर 6 धन x या x की घात 2 ऋण x ऋण 6 बराबर 0 या x की घात 2 x की घात 2 ऋण 3x धन 2x ऋण 6 बराबर 0। दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ हम निकालेंगे x, तो x ऋण 3 और इन पदों में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे 2, तो x ऋण 3 बराबर 0 या x ऋण 3 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो शेष x धन 2 दूसरे कोष्टक में बचेगा बराबर 0 या x ऋण 3 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0 या x बराबर 3 या x बराबर ऋण 2। अतः x बराबर 3 और ऋण 2 यह प्रश्न के हल हो गए।